लाई नजरा मुंह मोड़ दी। लगी रहा वायरल हो चुका काफी बार। एक्साइटमेंट देखिए, बैक टू बैक सिक्सेस चल रहे हैं और हमारे जम्मू के यहाँ पे ऑडियंस जम्मू वाली जो पहुंची हुई है मैच देखने के लिए। जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो इस समय हम आ चुके हैं जम्मू के एमए स्टेडियम मतलब मौलाना आजाद स्टेडियम, जहां पर हो रहे हैं जम्मू की एक प्रीमियर लीग जिसका नाम है JKSPL, जहां पर जम्मू के जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको मौका मिल रहा है यहाँ पर खेलने का। तो फिलहाल अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या अंदर माहौल है। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या माहौल अंदर बनने वाला है। तो फटाफट से तो लो जी, यहाँ पर भाई साहब पूरी इंटरनेशनल स्टेडियम वाली भाई साहब फील आ रही है और हमारे जम्मू में भाई इतना जबरदस्त सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। फिलहाल आपको बताएं यहाँ पे ऑडियंस जम्मू वाली जो पहुंची हुई है मैच देखने के लिए, अभी ऑडियंस कम है मेरे हिसाब से भाई, और ऑडियंस यहाँ पे आनी चाहिए और हमारे जम्मू के जितने भी भाई यहाँ पर यूथ खेल रही है ना उनको फुल सपोर्ट मिलना चाहिए। फिलहाल चलते हैं और यहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे, तो जानेंगे भाई क्या इम्प्रूवमेंट जो है यहाँ पर। आपको भाई साहब एक बात बताएं, ये देखिए भाई माहौल देखिए यहाँ पर, बहुत ही कमाल माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे बैक टू बैक मुझे लगा भाई छक्के चौके बज रहे हैं और भाई ये देखिए एक्साइटमेंट देखिए लोगों के मन में भाई साहब, ये देखिए भाई, और इस तरीके से यहाँ पर भाई माहौल बना हुआ है और यहाँ पर भी देखिए आप कुछ ऑडियंस यहाँ पे बैठी हुई है, बट मेरे हिसाब से वो जो सामने आप जितना भी ये एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पर भाई साहब ऑडियंस होनी चाहिए जम्मू की और जम्मू के जितने भी यहाँ पर प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको। बहुत ही कमाल माहौल हमारे यहाँ पे एमएस स्टेडियम में इस समय आप देख सकते हैं और यहाँ पर ये कमेंट्री वगैरह चल रही है और यहाँ पर दो टीम्स का जो है मैच इस समय लाइव चल रहा है, तो काफी अच्छा माहौल है और यहाँ पर कुछ ऑडियंस यहाँ पर बैठे हुए देख सकते हैं आप सामने और कुछ चीफ गेस्ट भी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर लाइव मैच चल रहा है भाई, बल्लेबाजी कर रहे हैं और सेटअप बनाया हुआ हमारे जम्मू के एमएस स्टेडियम में और मेरे हिसाब से सारी सीटें ना भाई फुल होनी चाहिए और फुल सपोर्ट मिलना चाहिए हमारे जम्मू के जितने भी प्लेयर यहाँ पर खेल रहे हैं और नई नई अपॉर्चुनिटी हमारे जम्मू वालों को मिले मेरे हिसाब से। और भाई यहाँ पर ये एडिटिंग वगैरह चल रही है और ये है सिटिंग और भाई मैं देख रहा हूँ वहां पर दो लड़के बैठे हुए हैं बिल्कुल अकेले, मेरे हिसाब से उनसे बात करनी चाहिए और जानना चाहिए भाई क्या सीन है। चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं भाई है कौन है वो। भाई यहाँ पर पूरी सीटें खाली हैं और यहाँ पर दो लड़के बैठे हुए हैं, उनसे जाके जो है बात करेंगे और जानेंगे भाई इतनी क्या मोटिवेशन आपको जो है यहाँ पर आप अकेले बैठे हो। भाई साहब क्या हाल है, पहले तो आप माइक पकड़िए तो मुझे ये बताइए कि अकेले क्यों बैठे हैं आप यहाँ पे। बस भाई यहाँ पे फील ही लग रहा, मतलब कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा तो नहीं लग रहा, बेटर ही लग रहा है, मतलब कि अब जैसा कि देखो अभी ये खाली खाली स्टेडियम सा लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो यहाँ की जम्मू की जो अपनी जनता है वो सब आए देखे मैच, बल्कि बिल्कुल एक्सपीरियंस लाइव एक्सपीरियंस ले अपना। सही बात है, आपने काफी अच्छा पॉइंट जो है उठाया मेरे हिसाब से। जैसा कि मैंने देखा यहाँ पर लास्ट मैच में कुछ ज्यादा ऑडियंस हमें यहाँ पर देखने को मिली और आज मेरे हिसाब से कम ऑडियंस है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे आप लेजेंड्स को देखने आ सकते हो जी, तो आप हमारे जम्मू के यूथ जो हैं आप उनको भी देखने आ सकते हो। बिल्कुल, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी सीटें हैं सब खाली हैं, खाली मेन ही चीजें जो है आप वहाँ देख सकते हो कि वहाँ वही जो है छोटा सा थोड़ा ही क्राउड है, पर जितना लेजेंड्स की लीग में था क्या आप सेलिब्रिटी को देखने आए थे? वही ठीक है ना, पॉइंट उठा रहा हूँ। हाँ, अब सेलिब्रिटी को देखने आ सकते हो तो हमारे जम्मू के यूथ को भी देखने आओ। मेरे हिसाब से सबको इक्वल सपोर्ट मिलना चाहिए क्योंकि ये भी काफी अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने आपसे पैसे लिए थे टिकट के, यहाँ पे तो बिल्कुल फ्री है। एग्जैक्टली, वही तो मेन चीज है, बट मेरे हिसाब से जम्मू वालों को बढ़ चढ़ का यहाँ पर जो है ऑडियंस को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल में भी उनको जाने का मौका मिल सकता है इसी के दौरान यहाँ पे। तो हाँ जी हाँ, जैसे कि आपको पता है हमारे जम्मू में JKSPL करके लीग हो रही है, तो गवर्नमेंट ने तो भाई काफी अच्छा इनिशिएटिव जो है इसका उठाया। तो आपको क्या लगता है कि अगले साल या जिस तरीके से भी आपको लगता है, आप थोड़ा अपना अपनी ओपिनियन दें कि भाई ये अगले टाइम ये कब जो आप सीरीज देखना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये हो, दोबारा हो, अगले साल हो या इसी साल। तो क्या ओपिनियन है कि मतलब इन फ्यूचर कभी हम ये देख सकते हैं? मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि ये मैचेस जो भी हैं जो हम इतने इंटरेस्ट लगा के देख रहे हैं ऐसे, तो ये कोशिश करें कि जल्द से जल्द हम इसको दोबारा देखने जाए। अब वैसे भी साल को टाइम खत्म होने में सिर्फ 3 महीने का वक्त रह गया। बिल्कुल, ऑब्वियसली अक्टूबर तो हाफ एंड निकल ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर आने वाला है जी। तो मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट ईयर में ही होगा और हम इंटरेस्ट लेकर यहाँ पे देखने जरूर आएंगे। क्या बात है भाई साहब, अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।
भाई साहब यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ शिवालय जी, जो भाई अभी रिसेंटली आपने इनका एक सॉन्ग भी सुना होगा, वो अभी सर खुद ही सुनाने वाले हैं, तो थोड़ा एक गुनगुनाइए और इनको बता दीजिए भाई आप। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं दो लाइनें गुनगुनाना चाहूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मलाई नजरा मुंह मोड़ दी, मिठे मिठे बोल कुड़ी बोले डोगरी, बोले डोगरी कुड़ी बोले डोगरी, मिठे मिठे बोल कुड़ी बोल डोगरी। सो थैंक यू। क्या बात है, बहुत अच्छी वॉइस है सर की। तो सर थोड़ा यहाँ के बारे में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और इस तरीके का माहौल हमारे जम्मू में मेरे हिसाब से पहले नहीं था, तो हो रहा है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जैसे कि लुधियाना ब्रदर्स करके जो टीम है उनकी, मैं उनकी तरफ से इनवाइट था यहाँ पे, जी जी जी, आज आया था मैच देखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि हमारे जो लोकल्स हमारे भाई बहन, तो भाई भी यहाँ पे खेल रहे हैं, और पहले जैसे लेजेंड्स लीग हुई थी पीछे, तो अभी हमारे भाइयों को मौका मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग नशे की तरफ दौड़ रहे हैं। Exactly. तो जितना टूर्नामेंट होगी, जितना हमारे मैचेस वगैरह होंगे, तो हमारा जो युवा है ना, वो ज्यादा से ज्यादा इस लाइन में घुसेगा। एग्जैक्टली, युवा जैसे कि सर ने कहा कि भाई हमारा जितना भी युवा है आजकल सारा इस चीज पे, गलत चीजों पे जा रहा है, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है लुधियाना ब्रदर्स वालों ने, तो फुल सपोर्ट है मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से भैया जैसे हम देख रहे हैं कि ये सारा जो है क्राउड खाली है, तो थोड़ा उसके बारे में कुछ देखो, अभी मुझे लगता है कि 2-3 दिन हुए हैं मैचेस स्टार्ट हुए हुए, बिल्कुल, तो बाकी मीडिया वालों की तो बहुत ज्यादा पावर होती है, तो आप ये वीडियो डालेंगे तो मुझे लगता है, और जितने भी जम्मू वासी देख रहे हैं, तो आओ जहाँ पे फ्री मैचेस हैं, कोई exactly. आप देख सकते हैं यहाँ पे टिकट लेके आपको देखना पड़ता है, तो आओ एमएस स्टेडियम मैच देखो आके, बिल्कुल, और लोगों का हौसला भाई करो, जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं उनका भी थोड़ा हौसला भाई करो। बिल्कुल जी हाँ, आपने सिर्फ 400 रुपए पे किया था, मतलब लास्ट जो मैच हुआ था उसमें 400 रुपए टिकट थी, तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, तो डेफिनेटली विजिट करो। तो बाकी थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। भाई साहब इस समय हम एमएस स्टेडियम मौलाना आजाद स्टेडियम में आ चुके हैं, और यहाँ पर बहुत ही कमाल माहौल है, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं रणदीप सिंह जी, जो यहाँ के स्पॉन्सर भी है, तो मेरे हिसाब से उनसे बात करनी चाहिए, और जानते हैं यहाँ पे मतलब क्या क्या जो है आगे सिस्टम रहने वाला है। तो नमस्कार सर। नमस्कार, और क्या हाल चाल है भैया? बहुत कमाल सर। सर बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल है, और इस माहौल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे 4-5 दिन से आपको पता JKSPL के टूर्नामेंट चल रहे हैं जम्मू में, ठीक है, और ऐसे टूर्नामेंट किसी ने ना आज तक करवाए हैं जम्मू में, क्योंकि आपको पता लग ही रहा है वायरल हो चुका काफी बार, तो 32 टीमें हमने इंट्रोड्यूस की है यहाँ पे जी, तो 32 टीमों का नॉकआउट मैचेस हैं सारे। ओके। और सबसे बड़ी बात है कि हमने प्लेयर्स बाहर से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, बाहर वाले स्टेटों से भी प्लेयर्स आए हैं, सबसे बड़ी ये बात है। लीजेंड लीग में भी इतनी यानी कि एक्साइटमेंट नहीं थी लीजेंड लीग में जितनी एक्साइटमेंट यहाँ पे, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से हम करवा रहे हैं इसको, और सारी मीडिया भी कवर कर रही है, आप भी आए हो, आपका मोस्ट वेलकम है यहाँ पे। तो 32 टीमों के नॉकआउट मैचेस हैं, 16 टीमें आगे जाएंगी, उसके बाद फिर 8 जाएंगी 4 जाएंगी 2 जाएंगी, फाइनल होगा 20 या 21 तारीख को हमारा फाइनल होगा। फर्स्ट टीम है जो उसको 3 लाख रुपीज दे रहे हैं, जो विनर टीम है 3 लाख रुपए का इनाम है, जो आज तक किसी ने यहाँ टूर्नामेंट में नहीं दिया, और फर्स्ट रनर अप जो है उसको 1 लाख रुपए का इनाम है जी, और उससे और भी ज्यादा इनाम है, 10-11 इनाम और है, जैसे बेस्ट बैट्समैन है 11,000, मैन ऑफ द सीरीज है 21,000, 11,000 के और बहुत सारे इनाम है। ओके। और जो लाइव मैचेस हमारे चल रहे हैं इसमें हमने एक नाइनर रखा है। ओके। नेला बोलते हैं इसको, वो नेला कोई भी मारेगा हमारी तरफ से स्पॉन्सर है, उसको 500 रुपया इनाम ऑन द स्पॉट दिया जाता है, मैन ऑफ द मैच जो है वो 1100 रुपए दे रहे हैं हम इनाम। तो ये पहली बार मुझे सुनने को मिला भाई यहाँ पर नेला भी यहाँ पर रखा हो, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा यहाँ पे जो है इन्होंने इनिशिएटिव लिया, तो भैया कांग्रेचुलेशंस, और काफी अच्छा कर रहे हैं आप, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर भी ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर नहीं, हम नेक्स्ट मंथ ही ऐसा दोबारा नेक्स्ट मंथ करने वाले, डेफिनेटली। क्या बात है भाई साहब, बहुत ही मजा आने वाला है आप सभी को, तो फिलहाल बने रहे हमारे साथ। तो इस समय आपको बता दें यहाँ पर लाइव मैच चल रहा है, और थोड़ा पिच के बारे में बता देते हैं किस तरीके की पिच है, और भाई किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग मैच, ही आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर बैक टू बैक 6-4 चल रहे हैं, और भाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट सभी के मनों में, और भाई कमेंटेटर यहाँ पे देखिए कितने जबरदस्त तरीके से यहाँ पर भाई साहब जो है बोल रहे हैं, तो ये काफी अच्छा लगता है भाई, और हमारे जम्मू में ये पहली बार जो बोल, तो बहुत ही जबरदस्त है, तो मेरे हिसाब से जैसे कि आईपीएल के मैचेस होते हैं ना, वो हमारे जम्मू में भी होने चाहिए। बाकी फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आप भी आईपीएल के मैचेस हमारे जम्मू में देखना चाहते हो, तो भाई वो उस टाइम मतलब कितना ज्यादा मजा आने वाला है वो जरूर। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो भाई साहब बताना वीडियो कैसी लगी आपको, और कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर रखना कि आप
आईपीएल मैचेस जम्मू में चाहते हैं कि नहीं, और भाई अगली वीडियो में आप क्या क्या देखना पसंद करोगे वो भी बता देना। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आपको मेरी वीडियो की अपकमिंग नोटिफिकेशन आ जाएगी। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।